हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट रिसर्च के क्वेश्चंस। पिछली यूनिट में हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम इस यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। In a normal distribution of scores, the percentile rank of a student is scoring it minus 1 alpha is. तो अंकों के सामान्य वितरण में minus 1 alpha score करने पर छात्रों की जो प्रतिशतता रैंक आएगी वो कितनी होगी? तो ये जो होगी वो 16 होगी। सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन पूछा गया है। अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में बात की थी आपके साथ कि वहां पे जब बैरी दोनों एक साथ बैरी हो रहे थे तब वहां पे भी कोरिलेशन का क्वेश्चन था। तो कोरिलेशन को एक बार ठीक से जरूर पढ़ लीजिएगा गाइस, कोरिलेशन से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो आपको पता ही होगा, बट यानी कि निगेटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि ये साथ में बैरी होंगे, एक में प्रॉब्लम होगी तो दूसरे में भी प्रॉब्लम होगी। सो राइट आंसर, एक्स एंड वाई बैरी टुगेदर, यानी कि ये परिवर्तित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नेगेटिवली स्क्विंट कर्व ऑब्टेन आफ्टर टेस्टिंग स्टूडेंट द करेक्ट इन्फेरेंस अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट वुड बी। तो परीक्षार्थियों के परीक्षण के बाद प्राप्त ऋणात्मक विषम वक्र में परीक्षण की कठिनाई के बारे में क्या सही निष्कर्ष होगा, कि टेस्ट बहुत आसान था, डिफिकल्ट था, कि न आसान था न टफ था, या नो स्टेटमेंट अबाउट डिफिकल्टी ऑफ द। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि थर्ड और फोर्थ तो आंसर नहीं हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि टेस्ट वॉज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेथड ऑफ सैंपलिंग दैट इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्वेश्चन ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन इज टेक्निकली कॉल्ड। तो जब हम नमूना लेते हैं जनसंख्या के सभी वर्गों का जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, यानी कि सबको समान रूप से हम यहाँ पे प्रतिनिधित्व प्रोवाइड करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, स्तरीकृत नमूनाकृत में ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग इक्विवेलेंट सैंपल अ रिसर्चर ऑब्टेन अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन 95 टाइम्स आउट ऑफ 100 ट्रायल्स। सो ही शी डिसाइड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस द अल्फा लेवल। तो इसका जो अल्फा लेवल है वो क्या होना चाहिए। अभी लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का एक था, बस उसमें जस्ट अपोजिट पूछा गया था कि 0.05 में कितने बार ऐसा होगा। तो वही चीज यहाँ पे पूछी गई है, बस पहले जो क्वेश्चन था वो अब ऑप्शन बना दिया गया है। सो 0.05 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू रीड अ रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ जर्नल व्हिच इज नॉट पीयर रिव्यूड, सो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट शुड यू बी मोस्ट कंसर्न अबाउट। मान लीजिए आप किसी ऐसी चीज को पढ़ रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा रिव्यू नहीं है, तो हमें इसमें किस चीज की चिंता करनी चाहिए। ऐसे समझ लो कि जैसे आप अमेजोन या कहीं से भी कोई चीज खरीदते होंगे, है ना, सभी लोग शॉपिंग करते हैं। तो जब हम वहां से शॉपिंग करते होंगे तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि ये जो इसमें जो रिव्यू है वो कैसा है। जैसे खराब रिव्यू है, कई लोगों ने लिख दिया खराब है खराब है, तो हम लोग उसको नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे वही बात है कि रिव्यू है ही नहीं, तो किसी रिव्यू नहीं किया गया है, तो हमें उसमें यहाँ पर क्या सोचना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 का 2 इज द करेक्ट आंसर। रिगर का मतलब होता है कठोरता, यानी कि हार्डनेस, ना। तो जो कठोरता है किसमें, रिपोर्टिंग में, तो वो जो रिपोर्टिंग है रिसर्च की उसमें जो एक कठिनाई हो सकती है हमकी उसके विश्वास करने को लेके, ठीक है। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस विल टेंड टू डिक्रीज सैंपलिंग एरर। तो इसमें से कौन सा है जो नमूना त्रुटि को कम कर सकता है। देखिए गाइस, क्वेश्चन वही आ रहा है, टाइप वन एरर से आया था पिछली बार, टाइप टू एरर से आया था, नेक्स्ट टाइम इससे पूछ लिया गया। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि रैपिडली क्वेश्चन वहीं से पुट अप होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि हम चाहते हैं कि एरर कम हो जाए, तो गलती कैसे कम हो सकती है रिसर्च में। तो अगर हम
एक देखो इसका जो आंसर है डिस्क्रीजिंग का तो कोई मतलब नहीं है ना, या फिर सैंपल साइज रिडक्शन है ना, रिडक्शन का भी कोई मतलब, कम करने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ इंक्रीजिंग का जरूर एक आंसर हो सकता था, जैसे मान लीजिए मैं 10 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10 बच्चे जो हैं वो मेरी टीचिंग को कितना पसंद करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने सबसे नहीं पूछा, इनमें से मैंने किसी 2 बच्चों से पूछ लिया कि ये बताओ मेरी टीचिंग आपको कैसी लगती है, तो दोनों ने ये कहा अच्छी लगती है, तो मैं क्या रिजल्ट निकालूंगी सैंपलिंग में कि मेरी टीचिंग बहुत बढ़िया है, दो ने कह दिया तो दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 5 लड़कियां 5 लड़के हैं, तो 5 में से 2 जो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, उन्होंने कह दिया तो मतलब मैं बढ़िया पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो 2 ये है, क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये सही प्रतिनिधित्व करता है? अगर हम यहाँ 2 की जगह 10 के 10 बच्चों से पूछ लें तो जो रिजल्ट आएगा वो एकदम से एक्यूरेट होगा, क्योंकि 10 की ओपिनियन पता चल जाती है। अब चूंकि रिसर्च जब करते हैं तो 10 के 10 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां जब हम रिसर्च करते हैं, सपोज हम 10,000 लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं, तो 10,000 में से हम 100 लोग ले रहे हैं या 1,000 ले रहे हैं, तो 1,000 लोगों से जाकर तो नहीं पूछा जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें से तब सैंपलिंग लेते हैं, तो वो यही जानना चाहता है। तो या तो हम सैंपल साइज को इंक्रीज कर दें, या सबसे बढ़िया है कि हम वो सैंपल लें जो रिप्रेजेंटेशन जिसका सही हो, यानी कि जो सही तरीके से प्रतिनिधित्व करता हो। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कक्षा 12 से 10 के छात्रों का एक समूह यादृच्छिक रूप से तैयार किया गया, उन्हें 3 सप्ताह के लिए योग प्रशिक्षण दिया गया, उनकी स्वस्थ जीवन शैली की तुलना समान रूप से चयनित एक अन्य समूह से की गई। तो बस हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रेंडमली हम 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो भी वो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, सिमिलरली सेलेक्ट दूसरा ग्रुप भी सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर उस पे हम देख रहे हैं कि 2 ग्रुप की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह का टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है ना, तो इसको हम स्वतंत्र टी टेस्ट का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य 100 है, SD 20 है और N ये यहाँ पे 100 है, तो कौन सा कथन 0.01 विश्वास स्तर पर जनसंख्या माध्य की संभावना को इंगित करने के लिए सही कथन होगा? ठीक है, सो मीन इज 100, SD इज 20 एंड N इज इक्वल टू 100। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा कि हमें यहाँ पे निकालना है कि पॉपुलेशन जो मीन का होगा तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्या आएगा, तो x प्लस माइनस z सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, तो 20 अपॉन अंडर रूट 100 करेंगे क्योंकि n हमें यहाँ पे क्या दिया है, सिग्मा SD हमें क्या दिया है, SD हमें 20 दिया है, तो 20 प्लस अब z का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, तो z का जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो 2.58 रखेंगे, और इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो मीन फॉल करेगा वो बिटवीन 94.82 1052.28 के बीच में करेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के प्रति प्रशासकों के रवैये का आकलन करते समय एक शोधकर्ता के पास इस बारे में कोई पूर्व कल्पित धारणा नहीं थी कि वह क्या खोज सकती है, वह तब तक साक्षात्कार जारी रखती है जब तक प्रमुख विषय सामने नहीं आ जाता है, तो यहाँ पर किस तरह की रिसर्च है? व्हाइल असेसिंग द एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड अ वुमेन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अ रिसर्चर हैड नो प्रीकंसीव्ड नोशन अबाउट सी माइट डिस्कवर, सो एंड सी कंटिन्यू इंटरव्यू अंटिल की देम इमर्स, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर वो क्या हुआ? तो इस तरह का क्वेश्चन करते हुए ना हमें सीधा से ये समझना है कि वो क्या करना चाह रही है लड़की यहाँ पे, तो वो क्या करना चाह रही है समझिए कि वो तब तक खोजना चाह रही है तब तक जब तक कि उसे रिजल्ट नहीं मिल जाए, तो वो बहुत बेसिकली क्योंकि उसको पहले से कुछ नहीं पता है, वो कह रही है कि उसको यहाँ पे कुछ नहीं पता है, तो इस तरह की यहाँ पे ग्राउंडेड रिसर्च हम डिजाइन यूज करेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा ग्राउंडेड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्चर कंपेयर्स 2 सेट्स ऑफ करिकुलर मटेरियल्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच सेट इज मोर पेडागोजिकली साउंड इन द स्टडी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में एक्ट एज सोर्स ऑफ एरर्स, तो एक शोधकर्ता यह निर्धारित करने के लिए कि पाठ्यचर्या सामग्री के 2 सेटों की तुलना करता है कि कौन सा सेट अधिक शैक्षणिक रूप से ध्वनि है,
सही साउंड कर रहा है, तो कौन सा कारक त्रुटि के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है? मान लीजिएगा कि आपको मैं दो चीजें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पर रिसर्च करा रही हूँ, कल मैं आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड करा रही हूँ, तो इनमें से कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा है मेथड? तो इसके लिए हम कौन सा कारक है जो त्रुटि के स्रोत के रूप में कार्य करेगा, यानी कि कौन सा फैक्टर है जो एरर के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन है अट्रिशन, अट्रिशन का मतलब होता है संघर्षण। सेकेंड है कंटेंट च्वाइस वेस, यानी कि हम जो कंटेंट को च्वाइस कर रहे हैं उसमें हम कितने ज्यादा वाइज हैं, है ना, पक्षपातपूर्ण इतिहास उसका या सब्जेक्ट के जो इफेक्ट्स हैं वो। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर कर रहे हैं टू सेट ऑफ करिकुलर मटेरियल्स को इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच सेट इज मोर पेडागोजली साउंड, ऐसे समझ लो, और आसान तरीका है, आपको दो बुक दे रही हूँ मैं, दो बुक है एक फिलोसफी की और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी ज्यादा अच्छी है, तो कौन सी ज्यादा बच्चे के लिए अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे एरर के रूप में क्या काम कर सकता है, तो हिस्ट्री या फिर एट्रिशन या फिर सब्जेक्ट इफेक्ट्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, है ना, सब्जेक्ट तो एक ही है मान लो, या टॉपिक एक ही है, या हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो कंटेंट चॉइस करते समय जो राइटर है उसने वो किस तरह का उसने कंटेंट चॉइस किया है, तो वाइजनेस होना, तो ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज ऑफ हाईलाइटिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज द प्राइमरी सोर्स, तो बच्चों के एक विशेष समूह की विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? रिव्यू ऑफ रिसर्च पब्लिश इन लास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 सालों में कौन कौन सी जो रिसर्च है वो पब्लिश हुई है उसके रिव्यू, या क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, या फिर फाइंडिंग ऑफ केस स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। तो हमें अगर किसी का स्टडी करना है इस तरह से सिर्फ उसी पर्टिकुलर ग्रुप की विशेषताओं को बताना है, कैरेक्टरिस्टिक को, तो सीधी सी बात है यहाँ पे इस तरह के केस में हम केस स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर टीचर प्रिपेयर टेस्ट फॉर मेजरिंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर प्रिपेयर टेस्ट फॉर मेजरिंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द स्कूल प्रोग्राम, सो व्हाट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी वुड बी कंसीडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट। एक शिक्षक स्कूल कार्यक्रम में प्रतिभागियों के सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है, मतलब कौन सा व्यवहार है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है और नहीं है, तो यहाँ पर किस तरह की रिलायबिलिटी सेट करेंगे, तो यहाँ पर गाइस हम इंटर रिलायबिलिटी आंतरिक प्रकार की जो विश्वसनीयता है उसको सेट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि रिसर्च के जो ये क्वेश्चन है 1920 के बेसिकली फोकस किया है मैंने 18, 16, 17, तो यहाँ पर गाइस आप देखिएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आज के टाइम पे ज्यादा फोकस हो रहा है स्पेशली इन पेपर 2, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तभी कर सकते हैं जब हमको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, तो बस आप इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स इन पार्टिसिपेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च, तो अनुसंधान नैतिकता का जो मुद्दा है अनुसंधान के निम्नलिखित में से किस चरण में प्रासंगिक है? डिफाइनिंग द पॉपुलेशन सैंपलिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक, डिसाइडिंग द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रैक्स और बोथ फॉर परस्यूइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग एंड रिजल्ट, तो यहाँ पे शोध नैतिकता की बात है, तो आई होप कि सबको आंसर मिल गया होगा, जहाँ पे भी आपको रिपोर्ट, तो यहाँ पे फाइंडिंग रिपोर्टिंग यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें, नैतिकता है ना, इथिक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये इन सब में जरूरी है, डेटा कलेक्शन में भी, डेटा एनालिसिस में भी और रिपोर्टिंग में भी, लेकिन अगर तीनों में से ही कोई आ जाए तो आप रिपोर्टिंग पे लगा के सिर्फ आ सकते हैं, अदरवाइज इन तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर एथिक। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज द करेक्ट सीक्वेंस इन एन एक्शन रिसर्च पैराडिग्म, यानी कि इनमें से कौन सी जो क्रिया है अनुसंधान प्रतिमान में सही अनुक्रम को दर्शाती है, तो सबको पता है, तो इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, पी ए ओ
आर करके आप याद रखिए, PAOR। तो ये प्लान, हम योजना बनाते हैं, देन हम एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो ओके गाइस, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा। एक चीज और मुझे बताइएगा कि क्या मेरे ऑडियो, मेरे वॉइस की यहाँ पे जरूरत है आपको, या फिर मैं ये सिर्फ एक सिंपल म्यूजिक के साथ अपलोड कर दूं। जैसा भी हो, आंसर जरूर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।